हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नोबेल पुरस्कार एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो हर साल दिया जाता है। रसायन विज्ञान, भौतिकी, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन भारतीयों ने ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त किया है, तो आइए जानते हैं। पहले नंबर पर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को सन 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर उनकी कविता, संगीत, पेंटिंग्स और साहित्य के लिए बहुत जाने जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता में भावुकता की गहराई और एक अलग किस्म की ताजगी है, जिसके कारण उनकी कविता और भी खूबसूरत हो जाती है। कविता को अंत में अच्छे तरीके से पूरा करने की उनकी ताकत सबसे अलग है। टैगोर अपने विचारों को कविता के रूप में खुद के अंग्रेजी शब्दों में बयां करते थे। वो ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला। दूसरे नंबर पर आते हैं सी वी रमन। सी वी रमन को 1930 में भौतिकी विषय में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वे पहले एशियाई वैज्ञानिक हैं जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। संगीत के वाद्य, प्रकाश का बिखरना, मैग्नेट्रॉन आवाज, फोटो इलेक्ट्रिसिटी, कोलाइडल पार्टिकल, विवर्तन और रमन इफेक्ट के कार्य के लिए सी वी रमन जाने जाते हैं। उन्हें रमन इफेक्ट के लिए ही नोबेल पुरस्कार मिला है। तीसरे नंबर पर आते हैं हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना का जन्म रायपुर में हुआ था। ब्रिटिश भारतीय हरगोविंद खुराना अमेरिका के नागरिक हैं। उन्हें 1968 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सभी जीवों में मौजूद एक कोड को उन्होंने अभ्यास किया और उसी कोड को प्रोटीन के सिंथेसिस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसका काफ़ी सरल शब्दों में जानकारी दी थी। उनके इसी कार्य के लिए खुराना बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। उन्हें मार्शल डब्ल्यू नीरेमबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होले के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने साबित कर दिखाया था कि प्रोटीन का सिंथेसिस न्यूक्लियोटाइड के कारण ही होता है। चौथे नंबर पर आती हैं मदर टेरेसा। जब मदर टेरेसा 19 साल की उम्र में भारत आई थी तो गरीब लोग और समाज की सेवा करने आई थी, तो उन्होंने उनका पूरा जीवन लोगों की सेवा करने में ही झोंक दिया। उन्होंने गरीब से भी गरीब इंसान की सेवा की और इसी तरह वो धीरे धीरे रोमन कैथोलिक की मठवासिनी बन गई। उन्हें उनके इस कार्य के लिए 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने दुखी और बीमार लोगों की बहुत सेवा की। ऐसी सेवा करके उन्होंने सब लोगों तक एक संदेश पहुंचाया कि गरीब और सभी वंचित लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि हम भी उनसे प्यार करते हैं। पांचवें नंबर पर आते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी में सन 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त सी वी रमन के भतीजे हैं। सितारों का निर्माण और उनका विकास कैसे हुआ यह बताने में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उन्हें उनके चंद्रशेखर लिमिट यानी कि वाइट ड्वार्फ मास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। छठे नंबर पर आते हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र में बहुत ही अहम योगदान देने के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रिसर्च का काम करना शुरू कर दिया था और उन्होंने अर्थशास्त्र और सामाजिक न्याय, कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर रिसर्च पत्र भी तैयार किए थे और सबसे आखिरी में उन्होंने जो अकाल पर रिसर्च पत्र बनाए थे उन सबके कार्य के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। वे एक अच्छे दार्शनिक भी हैं। सातवें नंबर पर आते हैं वी एस नायपॉल। वी एस नायपॉल के माता पिता भारतीय थे और बाद में वो त्रिनिदाद चले गए, इसी वजह से उन्हें भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति में शामिल किया जाता है। उन्हें 2001 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वो अभी यूनाइटेड किंगडम के निवासी हैं। साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें अब तक बहुत सारे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिल चुके हैं। आठवें नंबर पर आते हैं वेंकटरमन रामकृष्णन। मूल रूप से भारत के रहने वाले वेंकटरमन रामकृष्णन अभी यूके और अमेरिका के नागरिक हैं। उन्हें राइबोसोम्स का अभ्यास और संरचना के लिए 2009 में नोबेल का रसायन विज्ञान में पुरस्कार दिया गया। उन्हें थॉमस ए स्टिड्स और
एडा योनाथ के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 9वें नंबर पर आते हैं कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। उन्हें मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार का प्रदान किया गया। उन्होंने पूरी जिंदगी बच्चों के संरक्षण और उनकी शिक्षा के लिए समर्पित कर दी है। इसके साथ ही वो अब सभी बच्चों को बाल मजदूरी जैसे खतरनाक काम से बाहर निकालने के लिए हमेशा प्रयास करते रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी ने अपने किए गए इस काम में सबके सामने बच्चों के अधिकारों का महत्व दर्शाया है। दोस्तों, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।